महाराष्ट्र के औरंगाबाद और थाने से गिरफ्तार किए गए आईएसआईएस के 9 संदिग्ध आतंकवादियों से पूछताछ में एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। सूत्रों के मुताबिक एटीएस को पूछताछ में 12 और संदिग्ध आतंकवादियों के बारे में अहम सुराग मिले हैं, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है। यही नहीं, सूत्रों का दावा है कि पूछताछ के समय संदिग्ध आतंकियों ने मुंबई, थाने, कल्याण और औरंगाबाद में पानी सप्लाई करने वाली लाइनों और पानी के टैंकों की भी रेकी की थी, जिसका मकसद इन जगहों पर केमिकल डालकर बड़ी संख्या में लोगों को मौत के घाट उतारना था। अपनी ही पार्टी के नेताओं से नाराज चल रहे गुजरात कांग्रेस के विधायक अल्पेश ठाकुर इस वक्त एकता यात्रा पर हैं। इस यात्रा के जरिए वो राज्य में पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी तलकी उनके बयानों में भी साफ दिख रही है। अंडर एस्टिमेट करने का प्रयास मत कीजिए, हमारी वो ताकत, हमारा वो हुजूम, और हम एक विचारधारा के साथ जुड़े हैं, उस विचारधारा को कभी चैलेंज मत कीजिए। हालांकि अल्पेश ठाकुर कांग्रेस अध्यक्ष पर भरोसा भी जता रहे हैं। स्थानीय लेवल पे कहीं ना कहीं इश्यूज हो सकते हैं, हमारे मनभेद हो सकते हैं और कार्यशैली को लेकर सवाल भी हो सकते हैं, पर राहुल जी पे जो भरोसा है उस भरोसा अभी कायम है। चीन की कंपनी माइजू ने जीरो नाम का एक ऐसा मोबाइल फोन लॉन्च किया है जिसमें एक भी होल यानी सुराख नहीं। news18.com की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी का दावा है कि यह दुनिया का पहला ऐसा स्मार्टफोन है जिसमें एक भी सुराख नहीं। इसमें न तो चार्जिंग पिन लगाने के लिए कोई जगह है, न ही हेडफोन के लिए कोई ऑडियो जैक दिया गया है। कंपनी के मुताबिक वायरलेस चार्जिंग सिस्टम के जरिए ये मोबाइल बहुत कम समय में पूरी तरह चार्ज हो जाएगा। इस मोबाइल में स्पीकर और माइक के लिए भी कोई सुराख नहीं बनाया गया, बल्कि इसकी स्क्रीन में ही खास किस्म का इनबिल्ट स्पीकर दिया गया है। इसमें पावर बटन और आवाज़ घटाने बढ़ाने के लिए कोई बटन नहीं दिया गया है। कंपनी के मुताबिक इसके लिए मोबाइल के साइड में खास टच पैनल का इस्तेमाल किया गया है। सबसे खास बात यह है कि इस मोबाइल में कोई सिम स्लॉट नहीं है, यानी इसमें कोई सिम कार्ड नहीं लगाया जा सकता। इसके लिए कंपनी ने ई सिम के जरिए मोबाइल सर्विस एक्टिवेट करने की सुविधा दी है।